हालेलुया, प्लीज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली घोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है परमेश्वर की असली योजना। जैसे रूत एक अध्याय उसकी एक दो आयत में लिखा, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नुआमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में हम देखते हैं कि जो नाओमी और उसका परिवार था वह बेतलहम यहूदा के रहने वाले थे। बेतलहम का मतलब है रोटी का घर। जब बेतलहम में अकाल पड़ा और नाओमी के घर में खाना पीना खत्म हो गया, फिर नाओमी और उसका पति दोनों बेटे बेतलहम को छोड़कर मोआब देश में चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोआब वह देश था जिस देश से परमेश्वर नफरत करते थे। मोआब क्योंकि मोआब देश एक बाप और बेटी के मिलाप से पैदा किया गया देश था, जबकि बेतलहम को छोड़कर जाना परमेश्वर की असली योजना नहीं थी। जबकि परमेश्वर उनसे यह उम्मीद रखता था कि वह मोआब देश में न जाकर बेतलहम देश में ही रहे, चाहे तंगी में रहे, यही परमेश्वर की असली योजना थी। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की असली योजना थी जो परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में पूरी करनी थी। हर व्यक्ति परमेश्वर की असली योजना को पूरा नहीं कर पाता। जिस तरह स्कूल में हर एक बच्चा पास नहीं हो पाता, बाइबल बताती है कि जब वह मोआब देश में चले गए तो नाओमी का पति मरा, उसके दोनों बेटे मर गए, दोनों बहुओं में से एक बहू वापस चली गई और एक उसके पास रह गई। जब तक नाओमी परमेश्वर की असली योजना में नहीं आई, तब तक परमेश्वर ने उनको आशीषित नहीं किया। कई बार हम दुख और निराशा में इसलिए होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की असली योजना से बाहर होते हैं। मेरे प्रियो, चोरी करना, रिश्वत लेना, डरना, उसकी हजूरी से बाहर रहना परमेश्वर की असली योजना नहीं है। कई बार शैतान आपको लालच देगा, आपको बढ़िया नौकरी दे सकता है ताकि आप चर्च जाना छोड़ दे, ताकि आपकी मुक्ति धीरे धीरे खत्म की जा सके। बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर की योजना में बने रहे परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया और आशीषित किया। लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए बनाया कि इंसान परमेश्वर की महिमा कर सके। पर जब भी इंसान परमेश्वर की योजना से बाहर होता है तो उसके जीवन में शैतान काम करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर की हजूरी में बिताएं और परमेश्वर की असली योजना को समझें, ताकि शैतान आपकी ज़िंदगी में काम न कर सके। परमेश्वर की असली योजना को पूरा करना आशीषों को लेकर आता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन, आमीन। प्रार्थना, यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि यहाँ पर भी लोग इन वचनों को पढ़ या सुन रहे हैं, वह परमेश्वर के वचन पर मनन करे और प्रार्थना में बढ़े, फल को लेकर आए और ऊंचे किए जाए, इस वचन के द्वारा आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। प्लीज द लॉर्ड।